हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में और यहाँ पे रिलीज हो चुकी है, एक स्क्रीन पर हुई है, प्रेम गीत 3। लेकिन दोस्तों, आज टोटल शो हाउसफुल था पूरी मुंबई का और जेम का भी हाउसफुल था। लेकिन हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, तो आप जो भी हो हमारे नेपाल ऑडियंस, हमारी जो वीडियो देख रहे ना, तो आपके लिए एक सरप्राइज है ये। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे मेहमान हैं वो नेपाल से ही बिलोंग करते हैं, उनका नाम है विशाल भाई। भाई प्लीज़ इधर आइए। तो आपने देखा प्रेम गीत 3। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और कहीं ना कहीं आपको तो एक प्राउड फील हो रहा होगा कि नेपाल की मूवी जो कि फर्स्ट टाइम हिंदी में रिलीज हुई है। हाँ, तो पहले आप हिंदी में बताएं, नेपाल में बाद में पूछेंगे आपसे, लेकिन पहले हिंदी में बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि प्रदीप खड़का सर जो कि नेपाल के सुपर स्टार है, उनकी फर्स्ट मूवी आपने देखा, वो भी मुंबई शहर में। नमस्कार प्रदीप सर अनि क्रिस्टल मैम जी, वहाँ धेरै स्वागत छ यो मूवीमा धेरै राम्रो लाग्यो अनि यहाँ आज हिन्दीमा आइसक्यो मुभी, धेरै राम्रो लाग्यो। प्रदीप सरको धेरै राम्रो छ मुभी, उहाँको धेरै क्याक्टिङ क्यारेक्टर अन्त उहाँको हेर्ने त भ्यू छ नि, एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम राम्रो छ। अनि त डायलग पनि अनि एक्सन पनि धेरै राम्रो छ यो मुभी, अलि बढाउनु राम्रो लाग्यो। अनि मेरो यहाँ साथीहरू अस्ति नै पनि हजुरको इन्ट्रोड्युस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर अनि म साथी एकदम एक्साइटेड भएर आएको थिएँ हेर्नलाई। क्रिस्टिना मैमको बारेमा क्या कहेको, जो हिरोइन थिए, गीतको जो रोल थियो वो कितनी प्यारी लगी आपको? क्रिस्टिना मैम एकदम क्यूट ब्यूटीफुल लग रही थी पहली बात तो। हाँ। वो जो डायलॉग बोल रहे थे ना, अच्छा, वो एकदम मासूम बोलते ना कि फुल लविंग के टाइप, लवली। अगर आप क्रिस्टिना मैम को अगर आप नेपाली लैंग्वेज में उनकी तारीफ करना चाहोगे तो आप किस तरीके से नेपाली लैंग्वेज में करेंगे तारीफ? क्रिस्टिना मैमलाई एउटा राम्रो तारीफ दिन चाहन्छु कि उहाँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ अनि चाहिँ उहाँको एक्टिङ छ नि, एक्सप्रेसन एकदम कलिलो कि एकदम सानो भनेपछि एकदम कलिलो मासुम, एकदम दामिक छ क्या, बहुत दामिक लाग्यो अरे उहाँको एक्टिङ। कहीं ना कहीं आपका स्माइल से लग रहा कि क्रिस्टिना मैम से प्यार हो गया आपको, ऐसा स्माइल से लग वो क्रिस्टिना मैम भी बताएंगे अभी क्या है। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे कैमरामैन कॉमन मैन एलेक्स भाई, उन्होंने इंटरव्यू किया था क्रिस्टिना मैम एंड प्रदीप खड़का से, तो आपकी तारीफ किया उन्होंने। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहेगा, क्योंकि आपका उन्होंने खास करके आपका नाम भी लिया था प्रदीप खड़का एंड क्रिस्टिना मैम, वो भी नेपाल में बोलना आपको, क्योंकि उन्होंने नेपाल में। प्रदीप सर नमस्कार, क्रिस्टिना मैम नमस्कार। मेरो दुईजना साथीहरूले हजुरको इन्टरभ्यूमा सोधेको थिएँ कि त्यो म हो विशाल छेत्री, उहाँ हजुरले धेरै तारिफ गर्नुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई पनि बोलायो क्या कि प्रेम गीत 3 आउँदैछ भनेर, एकदमै एक्साइटेड भयो। प्रदीप सरले यस्तो यस्तो इन्टरभ्यू दियो अनि नाम बताए, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो हजुरको। मूवी के अंदर पवनदीप सर जो कि म्यूजिक दिए हैं और सॉन्ग राहत फतेह अली खान और फिर जुबिन नौटियाल ने गाया, तो आपको कितने सॉन्ग अच्छे लगे? सॉन्ग्स जो सॉन्ग थे आपको सबसे बेस्ट सॉन्ग? सॉन्ग्स में मेरे को जुबिन नौटियाल का अच्छा लगा, कोई ना। हाँ जी, वो एक सॉन्ग लगा और लास्ट में जो एंड था वो पवनदीप राजन का सॉन्ग था, अच्छा वो सबसे बेस्ट लगा। और बाकी जो मूवी में जो एकदम फुल धमाल था, फुल एकदम रोमांटिक मूवी था और एक्शन भी, और वो बैकग्राउंड का जो व्यू है ना माउंटेन का, वाओ वंडरफुल, एकदम दामिक लगे यार। हिमालय को तो सेतो सेतो व्यू थ्री सर, एंड में जिन्होंने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा, खासकर नेपाल ऑडियंस, हाँ जी, तो उनको नेपाली लैंग्वेज में आप किस तरीके से उनको अपील कीजिएगा कि वो थिएटर में आए इस मूवी को देखने, अपील किस तरीके? हमारे नेपाल को सभी जनता भन्न चाहन्छु कि यो मूवी एकदम अलि राम्रो चाहिँ बढाउनलाई अलि सपोर्ट गरिदिनुहोस्, अनि यो प्रदीप सरलाई अनि क्रिस्टिना मैमलाई पनि राम्रो सपोर्ट दिनुहोस्, र यो मुभी अलि राम्रो आएछ, एकदम दामिक छ, हजुरले एकपालि गएर हेर्नुहोस् अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहोस्। उहाँहरूको मुभी एकदम राम्रो लाग्यो, मलाई पनि राम्रो लाग्यो, हजुर पनि गएर हेर्नुहोस्, एकपालि हेर्नुहोस् दुईपालि हेर्नुहोस्, अझै राम्रो लाग्छ। एकदम कलिलो मुभी छ, एकदम रोमान्टिक टाइपको मुभी छ, गएर एकपालि हेर्नुहोस्। चलिए एंड में अगर रेट करना, हाँ जी, तो हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं हमारे अलेक्स भाई, जिन्होंने हमारे विशाल भाई का नाम लिया था खासकर। हाँ, तो पहली बात है वीडियो नेपाली लोगों का, खास प्रदीप सर को बोला देखो आई एम ऑन माय वर्ड्स,
मैंने बोला था ना अपने नेपाली फ्रेंड के साथ आऊंगा देखने के लिए, यस। और मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, मैंने बोला था कि काश मैं अपने नेपाली फ्रेंड के लिए, अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डे नहीं आ पाए, सेकंड डे नहीं आया बिकॉज ही इज वर्किंग। आज भी वो बेचारा नाइट शिफ्ट करके डरेगा सर। आज म नेपालीमा भन्न चाहन्छु हजुरलाई, यसले यसले र अस्ति नै भिडियो रेकर्ड गरेर चाहिँ मलाई व्हाट्सएपमा पठायो क्या। अनि चाहिँ भन्यो छिटो आइज प्रदीप सरले यस्तो इन्टरभ्यू दियो, तयार गर्नु तारिफ गर्यो, एकदम राम्रो लाग्यो क्या। अनि चाहिँ यिनी यही साथीले चाहिँ मलाई बोलाएको, अनि यिनीहरू चाहिँ एकदम एक्साइटेड भयो क्या म पनि आउनु खोजेँ, धेरै राम्रो लाग्यो। अनि चाहिँ उहाँले भन्नु मैं तो समझा नहीं और मेरे को इतना समझा कि प्रदीप सर को इतना बोला कि मैंने व्हाट्सएप पे इसका वीडियो, हाँ हाँ, तो इसने व्हाट्सएप पे वीडियो, हाँ मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा था देखने के लिए। और एक खास बंदा नाइट शिफ्ट करता है, नाइट शिफ्ट करके नाइट शिफ्ट खत्म करके डायरेक्ट मूवी थिएटर आ जाए डायरेक्ट मूवी देखने के लिए। और मैं खास इसके लिए वेट कर रहा था, मैं तो देख सकता था फर्स्ट डे, पर अपने ये बंदे के लिए प्रदीप सर का बड़ा फैन, इसके लिए मैंने देखा आज हम लोग ने थर्ड डे, सेकंड कॉमेडियन भी है वो कैमरा पकड़े, पर इंटरव्यू मैंने लेते से मैं थोड़ा कैमरे में आ गया, वो अभी हमारा रिव्यू आ जाएगा जो भी है। पर पहले हमारे भाई ये बाइक के लिए बहुत सारा प्यार और प्रदीप सर को बहुत सारा प्यार जो उन्होंने दिया है, बस मैम यस कृष्णा मैम, ये तो भाई बार बार कृष्णा मैम को याद कर रहा है, पूरा मतलब फिदा हो गया, मतलब नेपाल इंडस्ट्री से नेपाल इंडस्ट्री की हीरोइन को देखा हमने पहली बार देखा ना भाई, इसलिए हिंदी मूवी हिंदी में हिंदी में। तो मैं इतना बोलूंगा अब आपका भी मुंबई आओगे प्रदीप सर और कृष्णा मैम, कुछ ऐसा पार्टी रहेगा, कुछ रहेगा सक्सेस पार्टी, तो पक्का मेरे फ्रेंड को लेके आऊंगा आपको मिलाने के लिए, आपको खास मिलना पड़ेगा। बस आई वांट ऑन माय वर्ड्स, मैं बोला कि मैंने अपना वादा पूरा किया हमारे नेपाली फ्रेंड को, मैं बोला कि मैं नेपाली फ्रेंड को लेके आऊंगा साथ में देखूंगा, और देखा मैंने मूवी, बस क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे वो स्टार स्टार उसको, हां रेटिंग भाई रेटिंग रेटिंग नहीं दिया प्रदीप सर लाई चाहिए स्टार दिन्छु म, 4 स्टार दिन चाहन्छु, अनि कृष्णा मैम लाई पनि 4 स्टार, किनकि मूवी पनि अझै दामी हो भन्दा अझै दामी ल्याइदिनुहोस्, र अगाडि अरू धेरै सपोर्ट पाउनुहुन्छ, अनि यहाँहरू चाहिँ अरू चाहिँ मेरो साथीहरू भन्नुहुन्छ के स्टार दिनुहुन्छ, त्योहरू प्रेमगिरी 3 त्यो सब्सक्राइब र लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि धेरै सपोर्ट गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो यो साथीको च्यानल हो, थ्याङ्क यू, धेरै सपोर्ट गरिदिनुहोस् लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर, अनि फरवर्ड पनि गरिदिनुहोस् अरू साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गरिदिनुहोस्, धेरै राम्रो लाग्छ हजुरहरूलाई यो इन्टरभ्यू कस्तो दियो त्यो लाग्छ, अनि अरू चाहिँ मेरो साथीहरू भन्नुहुन्छ के चाहिँ हो उहाँहरूले हेर्नु, आजकिले यतै बस, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हैं दोस्तों विशाल भाई का रिव्यू आपने नेपाली में भी सुना एंड हिंदी में भी सुना, तो आपको कैसा लगा हमारे विशाल भाई का रिव्यू आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।